हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं नीतू। देखिए फ्रेंड, आज मैं बहुत ही टेस्टी कुलचे बनाने वाली हूँ। तो कुलचे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मैदा और एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहो तो सिर्फ मैदा से ही बना सकते हो या गेहूं के आटे से भी। मैंने दोनों चीज़ लिया है। साथ में मैं थोड़ा नमक डाल दी हूँ आटे में, थोड़ा सा चीनी डाल दे रही हूँ और इसको दही डाल दे रही हूँ। एक कटोरी के करीब दही को अच्छे से फेंट के लिया है और 2 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। आप तेल के जगह पे घी भी डाल सकते हैं। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिला के एक डो तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम दही हुई को मिला ले रहे हैं। पानी की ज़रूरत होगी तो पानी डालेंगे। सारी चीज़ों को देखिए हाथों से अच्छे से मिला ले रहे हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और घर के तवे पे मैं बनाऊंगी एकदम आसान तरीके से। देखिए मैंने आटे को अच्छे से मिला लिया है दही के साथ। अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम थोड़ा सा। आप चाहो तो पानी की जगह पे दूध का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे रोटी का डो तैयार करते हैं ना, उसी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट एकदम हल्के हाथों से देखिए इस तरह से मिलाते हुए। तो देखिए डो तैयार हो गया है मेरा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हाथ में से तेल लगा के और इसको छोड़ देते हैं 15 से 20 मिनट, ताकि आटे अच्छे से फूले। देखिए अच्छे से तेल लगा के मैं ढक के इसको छोड़ देती हूँ। तब तक हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए फ्रेंड मैंने 5 आलू को उबाल के लिया है, उसको अच्छे से मैश कर लिया है। आलू को ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे तो आप इसको मैश कर ले अच्छे से। चाहे तो आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो इसको और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ हम मसाले ऐड कर दे रहे हैं। तो इसमें देखिए हम 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। साथ में 1 चम्मच हम ये चाट मसाला डाल दे रहे हैं फ्रेंड। और 1 चम्मच मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। और साथ में हम नमक डाल दे रहे हैं। चाट मसाला की जगह पे आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। साथ में देखिए मैंने थोड़ा सा ये हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक को मैंने महीन महीन एकदम काट लिया है। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से डाल के इसको मिला लेते हैं। देखिए फ्रेंड अच्छे से मैंने इसको मिला लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से देखिए मिला लिया है। तो थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी हम काली मिर्च डाल दे रहे हैं। और इसको क्या करते हैं ना, गोल गोल सा बॉल्स जैसा बना ले रहे हैं हम, ताकि हमको आटे में भरने में बहुत ही आसानी होगा। तो इस तरह से देखिए सारे बॉल्स को बना लिए हैं। और ये सारे बॉल्स को बना के मैंने रेडी कर लिया है। तो अब आटे मेरा हो चुका है 20 मिनट के करीब। तो इसको हम क्या कर रहे हैं ना, हाथों से थोड़ा सा मसल लेते हैं आटे को। देखिए कितना सॉफ्ट एकदम फुला फुला सा आटा मेरा हो गया है। तो अब इसमें से थोड़ा सा लोई लेके और थोड़ा सा हाथों से इस तरह से देखिए चिकना करके, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं ना उसी तरह से। तो देखिए थोड़ा सा हम आटा इसमें मिला ले रहे हैं आटा के साथ। इस
देखिए कटोरी का शेप हो गया है, तो हम इसमें एक बॉल्स डाल के इसको अच्छे से देखिए हाथ से मिला के इस तरह से बंद कर ले रहे हैं। इसके पूरे को मैंने कवर कर दिया है और हाथों से आराम से चिकना कर लिए हैं। तो थोड़ा सा आटा लगा के इसको हम बेल लेते हैं। इसको थोड़ा मोटा ही बेलेंगे, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। इसमें देखिए थोड़ा सा बारीक हरा धनिया लगा दे रहे हैं और एक बार इसको और बेलन से चला दे रहे हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो इधर मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था फ्रेंड, तो तवा देखिए मेरा गर्म हो चुका है। तो अब हम गैस के फ्लेम को हम क्या करेंगे ना, अभी हम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे इसको। मीडियम फ्लेम पे इसको तो ढक देते हैं फ्रेंड। तो ढके हुए देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है, तो दूसरे साइड से हम पलट ले रहे हैं। आप चाहो तो इसमें घी या बटर कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं इसमें घी लगाने वाली हूँ। देखिए दोनों साइड से हो गया है, तो हम इसमें घी लगा ले रहे हैं। घी लगा के एकदम अच्छा से एकदम क्रिस्पी होने तक इसको हम देखिए इसको दबा दबा के, तो देखिए मेरे कितने अच्छे गुब्बारे के जैसा एकदम कुलचे जो हैं देखिए ये फूल गए हैं। दोनों साइड से देखिए हम एकदम सेक ले रहे हैं। ये देखिए इसको दबा दबा के इस तरह से हम सेकेंगे ना, तो देखिए एकदम आराम से फूल जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे मेरे कुलचे जो है एकदम फूल के रेडी हो गए हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम सारे कुलचे को देखिए कितना अच्छा मेरा बन के रेडी हो गया, एकदम फूले फूले से कुलचे। तो सारा कुलचा को हम इसी तरह से हम बना ले रहे हैं। तो फ्रेंड यदि आप लोगों की ये कुलचे की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए सारे कुलचे मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मैं आज छोला बनाई हूँ, तो उसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है छोले के साथ। तो मैंने मटर के छोले बनाए हैं, तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड। एक बार ज़रूर बनाइएगा, और बनाना कितना आसान है, बच्चे भी बहुत शौक से ये खाएंगे। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो आराम से कुलचे छोले बना सकते हैं। ये देखिए मैंने छोले बनाया है, इसको हम तोड़ के दिखाते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही टेस्टी बना है एकदम। ये देखिए छोले भी कितना अच्छा मेरा टेस्टी बना है। ये देखिए कितना अच्छा स्टफिंग है, तो मैं खा के दिखाती हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा टेस्ट करिए। यकीन मानो फ्रेंड, थोड़ा सा आप टेस्ट करके देखिए, बहुत टेस्टी बना है। इसके प्याज के साथ, अचार के साथ